अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसान दानिश और आप देख रहे हैं ब्लॉगर पैकेट्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने ये देखा, हमने कुछ ब्लू होस्ट के अबाउट देखा कि ब्लू होस्ट पे अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो पोस्ट की, उसके अंदर मैंने बताया कि ब्लू होस्ट के रिलेटेड जो टैक्स फॉर्म है उसको किस तरह से फिल आउट करना है और सबमिट करना है। उसके बाद आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से ब्लू होस्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम का यूज़ किया और उसको यूज़ करते हुए मैंने बेसिकली कितनी इनकम जनरेट की, कितने अरसे के अंदर और कितनी एफर्ट के साथ। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, मैंने ब्लू होस्ट के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट किया और वहाँ पे अपना जो भी सारा सेटअप था करने के बाद, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो सारी चीज़ें करने के बाद मैंने क्या किया, एफिलिएट लिंक अपना लिया और सिंपल क्या किया, एक जगह पर सेव कर लिया। उसके बाद मैं जितने भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे काम करता हूँ, अपवर्क, फाइवर या कहीं पे भी, तो बेसिकली मेरे पास क्लाइंट्स आते रहते हैं डिफरेंट तरह के कि मुझे ये वेबसाइट डेवलप करवानी है, ये चीज़ करवानी है। तो मैं एक बार उनसे ज़रूर पूछ लेता हूँ कि सर क्या आपने क्या आपके पास पहले से ही होस्टिंग मौजूद है या आपको होस्टिंग या डोमेन बाय करनी है। अगर तो वो कह रहा है कि मेरे पास पहले से ही मौजूद है होस्टिंग, तो दैट्स फाइन। अदरवाइज़ मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ से जाके इस तरह जाके ये चीज़ बाय कर सकते हैं होस्टिंग यहाँ से। तो नॉर्मली कन्वर्ट हो जाते हैं लोग, मान लेते हैं ओके दैट्स फाइन, और उन क्लाइंट्स का हम पे ट्रस्ट भी होता है। और ब्लू होस्ट कुछ बुरी होस्टिंग भी नहीं है, बहुत पावरफुल होस्टिंग है, तो हम अपने क्लाइंट्स को कुछ गलत भी रिकमेंड नहीं कर रहे। तो वहाँ पर जाके वो सिंपली बाय करते हैं और उस तरह से हमें एक कमीशन मिल जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं मेरे अकाउंट के अंदर से अभी तक मैंने कितनी अर्निंग कर चुका हूं और कितने विड्रॉल ले चुका हूं। तो चलिए मेरे लैपटॉप के अंदर चल के देखते हैं ये सारी चीज़ें। ओके जी, तो हम आ चुके हैं अपने ब्लू होस्ट के डैशबोर्ड के अंदर। यहां पे डैशबोर्ड के अंदर मैं आ गया हूँ स्टैट्स के अंदर। स्टैट्स के अंदर आने के बाद मैं आ जाता हूँ पे आउट हिस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ पर देखें, मैंने ये मेरी कंप्लीट पे आउट हिस्ट्री है कि कितने डॉलर्स मैंने ब्लू होस्ट से निकलवाए हैं और कितने अर्न किए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो नवंबर 2019 के अंदर मैंने $130 फर्स्ट विड्रॉल अपना लिया है यहाँ पे, जो कि दो साइनअप्स का था। उसके बाद $65 एक साइनअप का, फिर $195 ये थ्री साइनअप्स का, और $195 अगेन थ्री साइनअप का। तो टोटल अगर इनको समअप किया जाए, यहाँ पे मैं इनको प्लस कर लेता हूँ, 195 प्लस 95 विच इज 610 डॉलर बनते हैं, जिनको अगर हम PKR में कन्वर्ट करें तो राउंड अबाउट 94,000 रुपीज़ बनते हैं, विच इज़ अ हैंडसम अमाउंट। सिर्फ किया मैंने कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना रेफरल लिंक कंप्लीट कॉपी किया और अपने क्लाइंट को रेफर किया, दैट्स इट। इतनी सी एफर्ट थी मेरी। एक साइनअप पे कंप्लीट मुझे $65 मिल रहे थे। तो हाउ सिंपल इज इट। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, तो काइंडली सब्सक्राइब चैनल करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मोटिवेट रखें मुझे। थैंक यू।